दो चीजों का एक आपकी पॉलिटी और दूसरा आपकी ई गवर्नेंस। सो so ये जो टॉपिक है जो एक पोर्टल है बेसिकली एक सुप्रीम कोर्ट ने सुस्वागतम पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है सो so टेक्निकली ये जो टॉपिक है ये आपका बनता है पॉलिटी और ई गवर्नेंस इन दोनों के बीच में कहीं लाया करता है और यूपीएससी की ये टेंडेंसी देखने को मिलती है कि जब भी ई गवर्नेंस या गवर्नेंस फॉर दैट मैटर उससे रिलेटेड जब भी कोई करंट अफेयर आता है तो उससे जो है हमने काफी हद तक सवाल उसके अंदर देखे हैं समटाइम्स इट में सीम स्टेटिक एंड समाइम्स इट इज प्योरली करंट लेकिन होता वो हो इसके अराउंड ही है ये डिजिटल इंडिया का जो प्रोजेक्ट है ये कोई बहुत ज्यादा पुरानी चीज नहीं है सो इफ वी आर कि ई e गवर्नेंस से कोई सवाल आता है है ना तो इस टाइप के टॉपिक्स ही हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट होते हैं चलिए देखते हैं सुस्वागतम पोर्टल सो बच्चे बेसिकली अगर बहुत आसान भाषा में आपको कहूं सुस्वागतम पोर्टल है अभी ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है ये क्या करेगा इट वुड एनेबल एडवोकेट्स विजिटर्स इंटर्न्स एंड अदर्स टू रजिस्टर ऑनलाइन एंड गेट ई पासिस ए एपेक्स कोर्ट एपेक्स कोर्ट को एंटर करने के लिए आपको एक पास की जरूरत होती है तो ये वाला जो पोर्टल है आपको उसके लिए ई e पास जो है वो प्रोवाइड करेगा है ना एज सिंपल एज दैट अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर जाना है तो क्यों जाना होता है या तो आप कोई प्रोसीडिंग देखना चाहोगे या फिर आपकी कोई मीटिंग है है ना या फिर इस टाइप की कोई चीज़ें सब चीज़ के लिए आपको एंटर करने के लिए आपको जो है पास चाहिए और ये पर्टिकुलर पोर्टल जो है आपके पास लेने की जो प्रोसेस है उसको ये थोड़ा स्ट्रीमलाइन करेगा और ये भी जुलाई ट्वेंटी में लॉन्च हुआ था है ना और टेस्ट पायलट फेज में था और इट हैज़ रिसीव्ड अ पॉजिटिव रिस्पांस राइट सो so आने वाले टाइम में हो सकता है इसके दोबारा आपको कवरेज देखने को मिले न्यूज़पेपर्स में पर आपके लिए इतना बहुत है कि सुस्वागतम पोर्टल क्या करता है है ना किस कैसे होता है चलिए वेब बेस्ड एंड मोबाइल फ्रेंडली एप्लीकेशन है जो कि यूजर्स को अलाउ करती है रजिस्टर करने के लिए ये हमने देख लिए ई e पासिस मिलेंगे फॉर वेरियस सच एज अटेंडिंग कोर्ट हियरिंग मीटिंग्स एटसेट्रा सवाल कैसा बनेगा इसके ऊपर कि सुस्वागतम पोर्टल रिसेंटली सीन इन न्यूज हैज बीन लॉन्च बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग और उसके अंदर वो आपको वो से ऑप्शन दे, दे देंगे जैसे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया दे दिया जहां पे विजिटर्स अलाउड है है ना सुप्रीम कोर्ट दे दिया हाई कोर्ट दे दी इस टाइप के ऑप्शन आपको याद रखना की ये जो पोर्टल है सुस्वागतम पोर्टल इट इज फॉर दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया राइट तो ये हमने थोड़ा सा इसके अंदर ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से और इनिशियटिव है उनको मैं राइट नाउ नाउस डिस्कस करने वाला हूँ चलिए देखते हैं आपने भी बच्चे जब आप भी अपने लेवल पे पढ़ते हैं हालांकि जो हमारी करंट अफेयर्स मास्टर कोर्स है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसके अंदर हम बच्चों को पूरी तरह ट्रेन करते हैं कि आपको क्या चीज पढ़नी है क्या छोड़नी है ये जितनी भी पेरीफ्री रिसर्च होती है ये मैं ही अपने लेवल पे करके लेके आता हूँ ताकि बच्चों का मोस्ट जो फोकस है वो समझने पे रहे रादर देन कि वो uh, कंटेंट इकट्ठा करते भी रहे बिकॉज एक्सपीरियंस ऑफ ट्वेंटी फाइव ईयर्स वी ये कंटेंट की गेम कम स्ट्रेटेजी की ज्यादा है तो हमने ध्यान से करना है आपको ज्यादा समय उसके ऊपर नहीं लगाना है चलिए पहला अदर इनिशिएटिव जो है सुप्रीम कोर्ट का इट इज ई कोर्ट्स आपके जो लोअर कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट उनकी जो वर्किंग है उसको डिजिटाइज करता है कंप्यूटराइज करता है इससे होगा क्या बच्चे ये उस कोर्ट को और एफिशिएंट, और ट्रांसपेरेंट और ज्यादा एक्सेसिबल बना देगा लोगों के लिए राइट तो अब जज साहब अगर छुट्टी पे हैं या जज साहब कोर्ट में नहीं है राइट तो वो अपने मोबाइल के थ्रू एप्लीकेशन के थ्रू अपने लैपटॉप के थ्रू वो फाइल्स देख सकते हैं और वहीं से काम कर सकते हैं और अब कोई फाइल आपकी उठा के ऊपर नीचे भी नहीं करेगा कि यार इसकी इसकी फाइल फाइल नीचे लगा दी इसकी फाइल दी ऊपर कर है ना जो चलता है लोअर कोर्ट्स के अंदर अक्सर ये चीजें जो वो वो रिपोर्ट होती राइट सब भी नहीं होगी सब कुछ डिजिटल है वहां पे रिकॉर्ड फिक्स है सब कुछ आप चेंज नहीं कर सकते हो है ना तो इसीलिए ये चीज ट्रांसपेरेंट एफिशियट और एक्सेसिबल बनती है एक पैन इंडिया प्रोजेक्ट है बच्चे ये और फंड कौन कर रहे हैं इसको डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है ना किसके लिए फॉर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अक्रॉस कंट्री पैन इंडिया प्रोजेक्ट है सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इसके अंडर जो है वो फॉल करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इसे कर रहे हैं इनिशिएटिव है सुप्रीम कोर्ट का है तीन चार चीजें ध्यान रखने वाली है बच्चे नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड अब नाम से पता लग रहा होगा कि ये क्या है एक नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड है ठीक है जी क्या है ये एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जो कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ऑफ योर केस पेंडेंसी इन वेरियस कोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री ठीक है जी अगर आपको पेंडिंग केस पता होगी आपको पेंडेंसी पता होगी तो आप उसको मिटिगेट भी बेटर कर सकते हो सो तो ये एक हम कह सकते हैं कि ये एक सोल्यूशन की तरह जो है वो काम में आता है कि अगर हम बोलते हैं कि हमारे देश के अंदर कोर्ट्स के अंदर केसेस बहुत ज्यादा पेंडिंग है राइट तो ये वाली जो पर्टिकुलर चीज है ये उसमें हेल्प करती है बच्चे कि अगर आपने पेंडेंसी केसेस को रियल टाइम में अगर शो कर दिया तो आपकी नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस इट विल फॉल डाउन क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि इतना काम है राइट चलिए नेक्स्ट इज सुपेस ये भी आपने ऐसे ही एज इट इज याद करना है शॉर्ट किसका इसका यह सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट सफिशेंसी समझने वाली चीज है क्या करते हैं ही ये इंपॉर्टेंट है बच्चे ये हमारी ए और जुडिशरी की इंटीग्रेशन का एक एग्जाम्पल है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पोर्टल सुपेस इन द जुडिशियल सिस्टम एम डेट असिस्टिंग जजेस विद लीगल रिसर्च अगर उनको कोई केस आया उनको कोई लीगल रिसर्च करनी है ये मॉडल जो कि सुपेस के नाम से है राइट इसके थ्रू जो है आप जो जजेस हैं वो रिसर्च कर सकते हैं राइट right? उनकी हेल्प होगी इसके अंदर लास्ट वन इज द पोर्टल फास्टर नाम से बहुत क्लियर है ये मैं आपको बताता फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोर्ट के कौन से होंगे अपने क्या है पोर्टल orders, orders, matter, कोई भी ऑर्डर थ्रू अड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन राइट सो ऐसा कोई कह नहीं सकेगा कि uh, हमारे पास ऑर्डर नहीं पहुंचाता राइट थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो this 7 minute to the point series is specially designed for your prelims examination if you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview please check out abhimanyu ias current affairs master course 2024 it is based on trishul model you will be getting three things number 1 weekly classes number 2 weekly pdfs of current affairs number 3 weekly tests on current affairs the link to join the course is given in the description below, zid se jeet tak. And if you are ziddi enough, subscribe for regular updates. This tailor-made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.